Hi everyone, welcome to the lecture on Laplace transformation. In this video we are going to discuss interest rate example. Here the question is, we have to solve y of t plus 2 e raised to e power t integral 0 to t e raised to e power minus capital T y of t dt equals to t e raised to e power t. इसमें हम शिफ्टिंग लॉ यूज करेंगे और यहाँ पे ऑलवेज इफ यू ऑब्जर्व दैट दिस इंटीग्रल कंटेन सिंपल वन फंक्शन, बट इसमें कैसे y of t और मल्टीप्लीकेशन में इरेस्ट्रिक पावर माइनस टी. तो ये एक न्यू टाइप का एग्जांपल है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल. हियर इन अ फर्स्ट स्टेप वी हैव टू अप्लाई द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. सो थ्रू आउट अप्लाई द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. सो हियर वी गेट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ऑफ टी, देन सेकेंड टर्म इज प्लस, टू इज कॉन्स्टेंट. लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरेस्ट्रिक पावर टी इंटीग्रल जीरो टू टी इरेस्ट्रिक पावर माइनस कैपिटल टी वाई ऑफ टी dt equals to Laplace transformation of t e raised to e power t. So in a first step we have to apply the Laplace transformation, or Laplace is linear so we can separate term wise and take constant outside. So that's why यहाँ पे addition में term को separate किया और constant outside. यहाँ पे Laplace separate नहीं कर सकते. In product you cannot separate the Laplace because product में क्या होता है, इंटीग्रल ही है लैपलास, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये सब आता है. सो यहाँ पे इंटीग्रल होने की वजह से यू कैन नॉट राइट सेपरेटली इन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. अब इस टर्म को वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ. ये जो टर्म है फर्स्ट और लास्ट दैट वी नो हाउ टू सॉल्व, बट ये जो मिडल टर्म है इसका इंपॉर्टेंस है, तो इसको मैं सेपरेटली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सी है फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे, वेन वी सॉल्व द लैपलास तो ट्राई करो कि राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करो. अगर राइट से लेफ्ट सॉल्व करोगे तो फर्स्ट वी विल गेट इंटीग्रेशन और उसके बाद में ई. तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले इंटीग्रल सॉल्व करना है तो यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल. सो हियर दिस टर्म लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी ई रेस टू ई पावर माइनस कैपिटल टी वाई ऑफ कैपिटल टी डी टी इक्वल्स टू क्या होता है इंटीग्रल प्रॉपर्टी. इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी सेज दैट इफ देर इज अ टर्म इंटीग्रल जीरो टू टू इंटीग्रल जीरो टू टी वाई ऑफ यू डी यू इक्वल टू वट एवर द टर्म कंटेन इन दिस इंटीग्रल वी हैव टू टेक लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट टर्म. मतलब यहाँ पे इंटीग्रल में जो भी टर्म होगा उसका क्या आएगा, यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ऑफ टी. तो जस्ट ये यू के जगह पे टी आ जाता है, बट जो भी टर्म इंटीग्रल के अंदर है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय एस. सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट इज ए वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस, क्योंकि लैपलास ऑफ वाई ऑफ टी क्या होता है वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस. तो ये होता है इंटीग्रल प्रॉपर्टी जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर के टर्म का लैपलास डिवाइडेड बाय एस. अब यहाँ पे अप्लाई कर दो ये प्रॉपर्टी तो इंटीग्रल के अंदर ये पूरा टर्म है सो उसका लैपलास आएगा. दैट मीन्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस टी y of t divided by s. Now इस टर्म को हमें सॉल्व करना है. अब हमारे पास में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहा है कि अगर आपके पास में e raised to power at into some function of t है तो ये इस टर्म का जो भी आंसर होगा उसमें s को रिप्लेस करना पड़ेगा s माइनस a से. सो y ऑफ t का लैपलास क्या होता है, y ऑफ t का लैपलास होता है कैपिटल y ऑफ s, और उस s के जगह पे वी हैव टू राइट s माइनस a. सो बाय शिफ्टिंग लॉ वी गेट दिस टर्म. तो ये टर्म अगर आपके पास में है तो यहाँ पे a देखो, इसको e के पावर को कंपेयर करोगे तो a विल बी अवर माइनस वन. सो दैट मीन्स इस टर्म का आंसर क्या होगा, इट इज ए y ऑफ s प्लस वन divided by s. So Laplace transformation of this term इसका y of t का Laplace होता है y of s, और s replaced by s minus a, तो यहाँ पे power minus 1 है तो यहाँ पे क्या होगा minus of minus will be plus 1 divided by s. I hope ये term समझ में आया होगा because यही एक important concept है इसमें. अब ये इतना ही term नहीं है, इसमें और एक term क्या है, इस integral के multiplication में e. So here इन द नेक्स्ट स्टेप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू ई पावर टी इंटीग्रल जीरो टू टी ई रेस टू ई पावर माइनस कैपिटल टी वाई ऑफ टी डी टी इक्वल टू हियर. अब
ई मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होगा, शिफ्टिंग लॉ, और ई किसके मल्टीप्लीकेशन में, इस टर्म में, तो ये जो भी टर्म रहता है उसका लाप्लास निकालो और उसमें ये ई के पावर से रिप्लेस करना है, मतलब एस माइनस ए करना है। तो यहाँ पे हमने इस टर्म का लैपलास ऑलरेडी निकाल लिया है, इस इंटीग्रल का जो लैपलास है इट इज ए वाई ऑफ एस प्लस वन, वाई ऑफ एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस, ये हमारा क्या है, इस इंटीग्रल के जो टर्म है उसका लैपलास है। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस टर्म का लैपलास निकालने के बाद में यू हैव टू रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए, तो ई के पावर में जो टर्म है उसको चेक करना है और दैट कोएफिशिएंट ऑफ टी वी हैव टू सबट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना है, नथिंग मीन्स वन, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है, वन, सो दैट वन वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम s, तो जहां जहां s है उसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, s प्लस वन, तो इसमें भी माइनस वन हो जाएगा, सो y ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ s, तो ये s प्लस वन का फंक्शन था, तो ये क्या हो गया, s प्लस वन माइनस वन, डिवाइड में भी s है तो इसमें भी क्या होगा, माइनस वन, सो लिस्ट ऑफ, सो इट इज ए कैपिटल y ऑफ s upon s minus 1. So this is the answer of our middle term. I hope it is clear to you. और अब हमारे पास में right side वाला term भी है, उसको भी हम वैसे ही solve करेंगे। यहाँ पे t raised to power t है, तो you can write this term. Your right hand side is. So I am writing here first, जो हमने first solve किया है. Second, we have to solve Laplace transformation of e raised to power t into t. Just मैंने यहाँ पे t और e को इंटरचेंज किया है, इट इज इन प्रोडक्ट, यू कैन इंटरचेंज, ताकि मुझे यहाँ पे t का पहले लाप्लास निकालना पड़ेगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इज हियर t रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और n का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन s रेस्ट टू पावर n प्लस वन, सो लाप्लास ऑफ t रेस्ट टू पावर n इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेस्ट टू पावर n प्लस वन, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो n इक्वल्स टू 1, तो लैपलास ऑफ t इज 1 अपॉन s रेस टू पावर 2, दिस इज अ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t, बट t के मल्टीप्लीकेशन में e आ रहा है, तो अगेन यूज द शिफ्टिंग लॉ, तो t का जो कोएफिशिएंट है दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम s, सो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए s माइनस 1 स्क्वायर, ओके, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t था 1 अपॉन एस स्क्वेयर, और इस s को रिप्लेस कर दिया s माइनस 1 से, तो s के जगह पे s माइनस 1, तो s का स्क्वेयर है तो किसका स्क्वेयर होगा, s माइनस 1 स्क्वेयर, सो राइट साइड और लेफ्ट दोनों भी हमने सेपरेटली निकाल लिए, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस टर्म, सो ये इसको सॉल्व करना है, तो देयरफॉर हियर और इक्वेशन स्टार के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो लाप्लास ऑफ y ऑफ t इज y of s plus 2 as it is, Laplace transformation of this term is our y of s upon s minus 1 and right hand side equal to, so right side is 1 upon s minus 1 bracket square. Now here y of s is common, so if we take y of s common, so it becomes 1 plus 2 upon s minus 1 equal to 1 upon s minus 1 bracket square. Cross multiply. So it is a y of s equals to, if we multiply cross, so it is a s minus 1 plus 1, that is a s plus 1 divided by s minus 1 equals to 1 upon s minus 1 bracket square. इस पूरे टर्म को हमें इधर शिफ्ट करना है, तो डिविजन का टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड, जिसमें ये s माइनस वन, एस माइनस वन का एक ब्रैकेट यू कैन कैंसिल आउट, सो हियर y ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस वन, ये एक ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, तो स्क्वेयर की जगह पे क्या होगा फिर s माइनस वन, इसके साथ में आई एम कैंसलिंग दिस टर्म, तो इसका ये डिविजन टर्म कैंसिल आउट, तो ये s माइनस वन कैंसल, और यहाँ पे स्क्वेयर है तो वन टर्म इज रिमेनिंग, दैट इज s माइनस वन, और ये मल्टीप्लीकेशन का टर्म भी शिफ्टिंग में क्या होगा, divide. Now to solve the Laplace transformation of this term, we have to apply the partial fraction. So this term you can write a upon first factor plus b upon second factor. Now how to find the value of a and b? Again,
we will use the shortcut method that a if we want to find the a. तो इस पूरे टर्म में क्या पुट करोगे, s इक्वल्स टू वन, क्योंकि s a के डिवीजन का टर्म कब जीरो होगा, व्हेन s इक्वल्स टू वन. तो ये इसको इक्वेट टू जीरो कर दोगे तो यू विल गेट s इक्वल्स टू वन. तो वन पुट करोगे इस टर्म में तो ये क्या होगा, वन अपॉन, यहाँ पे नहीं पुट करना है बिकॉज वन माइनस वन इज जीरो, यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट टू. एंड b इक्वल्स टू हियर डिवीजन टर्म इज s प्लस वन, इक्वल टू जीरो लिखोगे तो यू विल गेट s इज माइनस वन. सो पुट s इक्वल्स टू माइनस वन इन दिस टर्म, तो यहाँ पे माइनस वन पुट करोगे तो b इज माइनस वन, माइनस वन बाय टू. तो a और b का वैल्यू नोन है, पुट दिस वैल्यू हियर. सो y ऑफ s इक्वल्स टू a इज वन बाय टू, सो वन बाय टू डिवाइडेड बाय s माइनस वन, एंड b इज माइनस वन बाय टू, सो हियर आई विल राइट दिस माइनस एंड इट इज ए s प्लस वन. Now in the next step, apply the Laplace inverse. So Laplace inverse of y of s equal to here 1 by 2 throughout constant, and here Laplace inverse of 1 upon s minus 1 minus Laplace inverse of 1 upon s plus 1. और ये किसका formula है, e e raise to e power 80, तो यहाँ पे e raise to e power minus 80. तो plus है तो e के power में minus आएगा, और minus है तो e के power में plus आएगा. So here it is a 1 by 2 e raise to e power t minus e raise to the power minus t. And left hand side is y of t. So ये हो जाएगा अब हमारे क्वेश्चन का आंसर, दैट y ऑफ t इक्वल्स टू 1 बाय 2, लैपलास ऑफ दिस टर्म इज e रेस्ट टू पावर t, एंड लैपलास ऑफ सेकेंड टर्म इज e रेस्ट टू पावर माइनस. ये जो हमने सॉल्व किया है y ऑफ t इक्वल्स टू, इसको दूसरा वे भी होता है सॉल्व करने का. इसी टर्म का लैपलास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आई विल एक्सप्लेन द अनदर मेथड. अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से ये टर्म हो जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस वन. और s स्क्वायर और सम कांस्टेंट आता है तो इट इज अ साइन और कॉस फॉर्मूला. और लैपलास इनवर्स ऑफ a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज माइनस साइन इज देयर, सो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन हाइपरबोलिक a t. ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसमें s स्क्वायर माइनस समथिंग अगर आता है प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या होता है साइन कॉस में, और ऊपर कांस्टेंट है तो वो साइन आता है. ऊपर अगर एस रहता है न्यूमरेटर विल बी एस, देन यू हैव टू राइट हियर कॉस. तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये साइन हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला है. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इफ यू अप्लाई द लैपलास इनवर्स थ्रू आउट, सो लैपलास इनवर्स ऑफ वाई ऑफ एस इक्वल टू लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वेयर माइनस वन, एंड हियर लैपलास इनवर्स ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड इज अवर y ऑफ t, लैपलास इनवर्स ऑफ y ऑफ s इज y ऑफ t, और दिस टर्म इज नथिंग बट साइन हाइपरबोलिक a t. a मींस यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है वो वाला टर्म, तो इट इज अ 1, सो 1 t. सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर. प्रीवियस आंसर e के फॉर्म में था, अगर साइन का जो फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक इन द फॉर्म ऑफ e अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट दैट आंसर. सो दोनों आंसर सेम ही है, आइदर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ e और इन द फॉर्म ऑफ साइन, बोथ आर करेक्ट. सो अगर उसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट साइन हाइपरबोलिक टी, और ये सिंप्लीफाइड और इजी वे है राइटिंग द आंसर. सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब.